प्रशासन ने 61 कलकत्ता श्रमिकों को उनके गांव में भेजने की व्यवस्था की है। कोयडा पड़ोसी राज्य कलकत्ता के 61 कर्मचारियों को सुंदरगढ़ जिले के कोयडा ब्लॉक में एसआर रुंगटा समूह के कमांड स्टील प्लांट में काम करने आए थे, लेकिन दुनिया भर में कोरोना महामारी दिन प्रतिदिन बढ़ने पर लॉकडाउन का समय भी बढ़ रहा है, जिस कारण कोयडा के विभिन्न राज्यों से काम करने आए श्रमिक को अपने घरों में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। कोयडा क्षेत्र में फंसे सभी प्रवासियों को वापस भेजने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के साथ बातचीत के बाद उड़ीसा सरकार के निर्देश अनुसार सुंदरगढ़ जिले के कोयडा ब्लॉक के कमांडो स्टील प्लांट में फंसे 61 कलकत्ता श्रमिक को प्रशासन ने मास्क देकर पहनने के लिए कहा। बिस्कुट और पानी की बोतलें भी प्रदान की गई। अपने गृह राज्य में लौटने के लिए कोयडा के तहसीलदार दुर्योधन भोई, कोयडा BDO पल्लवी रानी राज, सरपंच संध्या रानी नायक की मौजूदगी में कोयडा समूह के स्वास्थ्य केंद्र अधिकारी सनत कुमार पशुपालक ने 61 श्रमिकों के स्वास्थ्य की जांच किए। इन 61 श्रमिकों को कलकत्ता शुक्रवार को निजी बस के जरिए भेजा जाएगा। श्रमिकों ने इस काम के लिए प्रशासन की प्रशंसा की है। कोयडा से नागेश चंद्र पाड़ी की रिपोर्ट, P24 न्यूज एक्सप्रेस। मेडिकल टेस्ट भी आज हो रहे हैं, करके हम लोग जाएंगे। हमारा वेस्ट बंगाल में जाके मेडिकल टेस्ट कराएगा लोग, तो हमारा गांव का बात है। आपका जो 100 आदमी वेस्ट बंगाल का है, 100 आदमी एक ही जगह का है। कितना आदमी जा रहा है? 61। यहाँ से कब से आप लोग काम कर रहे थे आके? यहाँ से हम लोग फेब्रुवरी का 15 तारीख से। 100 आदमी? 15। 100 आदमी उसी दिन से आज तक घर नहीं गए? नहीं, आज तक घर नहीं गया है। तो लॉकडाउन बढ़ रहा है बोल के अब अपना बोल के हम लोग जाना चाहते हैं।